अरे यार जल्दी से जाता हूँ घोष राजा के पास और उससे बोलता हूँ कि वो मुझे कोई कमाल की आर्मी दे। पहले जितनी भी मेरी आर्मी थी, गॉड ग्रे हल्क वाली या फिर गॉड ब्लू हल्क वाली, वो सब की सब बकवास थी, उन्होंने हमेशा मुझे पिटवाया, लेकिन इस बार मुझे कुछ कमाल की आर्मी चाहिए। तो ठीक है जल्दी जाता हूँ। घोष राजा भैया मेरी बात सुनिए, आपने मुझे पहले दो जो आर्मी दी थी जो मेरे ही क्लोन्स थे, मेरे गॉड ब्लू हल्क वाले फॉर्मेशन के और एक था गॉड ग्रे हल्क, लेकिन दोनों ही बकवास थे, उन्होंने मेरी ज़्यादा मदद नहीं की और सारी आर्मी मुझे पिटवाया। और तो इस बार मुझे कुछ कमाल की आर्मी चाहिए जो रेड हल्क की, जो कि ईविल रेड हल्क है, उनकी वाट लगा सके। बच्चे तुम सोच भी नहीं सकते मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या सोच के रखा है। तुम कोई मामूली बच्चे नहीं हो और ये बात तो तुम जान ही चुके हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम बस अपनी लड़ाई को लड़ने जाओ। तुम्हें तुम्हारी बहुत ज़्यादा कमाल की आर्मी बहुत जल्द मिल जाएगी और तुम खुद सरप्राइज हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है तुम क्या बनने वाले हो बहुत जल्द। अरे एक मिनट, इसका क्या मतलब है कि मैं क्या बन जाऊंगा? क्या मैं बुरा तो नहीं बन जाऊंगा? क्योंकि मुझे बुरा नहीं बनना, मैं अच्छा ही अच्छा हूँ, क्योंकि मैं अपने एवेंजर्स दोस्तों को बचाऊंगा और अपनी दुनिया को भी बचाऊंगा, है ना दोस्तों? कमेंट में लिखो शिनचैन अच्छा है बुरा नहीं है। बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा, बस फिलहाल मैं तुम्हारे स्पिरिट से तुम्हारे क्लोन्स को बना रहा हूँ जो कि बहुत कमाल की आर्मी होगी। तो ठीक है मैं वेट करता हूँ कुछ टाइम, तब तक गाइस आप रेड हल्क के देखो। अब एवेंजर्स का लास्ट डे है, क्योंकि शिनचैन तो मैंने जान से मार दिया है, अब तुम्हारा क्या होगा? तो टोनी स्टार्क सिर्फ तुम ही आए हो, बस इतने ही एवेंजर रह गए हैं, बाकी के कहाँ हैं? मेरी रेड हल्क की आर्मी, मत छोड़ो उस टोनी स्टार्क को, साथ में खत्म करेंगे, फिर इस दुनिया पे हमारा राज होगा, फिर इस दुनिया का कोई रक्षक नहीं बचेगा। कहाँ है टोनी स्टार्क? हो अच्छा तो मेरे क्लोन से लड़ रहा है, हिम्मत है तो मुझसे लड़, असली रेड हल्क तेरा इंतजार कर रहा है। मेरे हिसाब से मेरी क्लोन की आर्मी ही इनको मार देगी, क्योंकि मेरी रेड हल्क की आर्मी बहुत पावरफुल है। उसके बाद बचेगा सिर्फ थॉर और बाकी के एक दो एवेंजर्स और, फिर उसके बाद सबको खत्म कर दूंगा मैं। पागल हो, मारो उनको जाके, क्या कर रहे हो? ये रहा तेरी, तो ये ले ये ले ये ले और ये, एक मिनट टोनी स्टार्क तेरी तो ये ले, तू जिंदा कैसे है? मुझे लगता है अब मुझे इसको जान से मारना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एवेंजर्स ही आखिरी खतरा है इस दुनिया पे राज ना करने देने के लिए, इसलिए सबसे पहले मैं इनको खत्म करूंगा। टोनी स्टार्क सामने आके लड़, बुजदिल सामने आ। बहुत हुआ टोनी स्टार्क, अब मैं तुझे खत्म कर दूंगा। और ये ले, मुझे लगता है टोनी स्टार्क तो मर चुका है, अब बारी है बाकी के एवेंजर्स की। थॉर तो तुम भी आ गए, अच्छा तो ठीक है, रेड हल्क की शक्ति का सामना करो और बाकी मेरी आर्मी भी तुमको मारेगी। सामने आके लड़ो बुजदिल एवेंजर्स, तुम सब के सब डरपोक हो, मुझसे दूर भाग रहे हो, तुम्हें पता है ना कि कितना मारूंगा मैं? सामने आओ मेरे। कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ के ही मार लूंगा, रेड हल्क बहुत ज्यादा पावरफुल है। अरे बाप रे, मुझे हवा में उड़ा रहा है। कोई बात नहीं है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और बहुत हुआ, मैं तुझको अपना आखिरी अटैक करता हूँ और तुझे खत्म करता हूँ, तो आ जा मेरे पास जल्दी से, जल्दी आ। हम ओडिन पुत्र हैं, तू हमें इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकता। मैं तुझे खत्म कर दूंगा थॉर, ये ले और ये ले। मुझे लगता है मैंने थॉर को भी खत्म कर दिया है। रेड हल्क बहुत ज्यादा पावरफुल है, अब कौन सा वेंचर बचा है? आओ सामने। ओ अच्छा, तो हल्क तुम आए हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुमने कितनी बड़ी गलती की, अच्छा होता कि तुम मेरी टीम को ज्वाइन कर लेते। ऐसा कुछ नहीं है, ग्रीन हल्क तेरी टीम को कभी ज्वाइन नहीं करेगा, वो तुझे उल्टा खत्म करने आया है, ये ले। बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे हाल, अब रेड हल्क तुझे खत्म कर देगा, मैंने शिनचैन को जान से मार दिया है, अब तेरा क्या होगा? नहीं, शिनचैन जिंदा है, शिनचैन हम सबको बचाएगा, हम तुझ पे भरोसा नहीं करते, शिनचैन नहीं मर सकता। मूर्ख, अपने दोस्तों से पूछ ले, मैंने उसको मार दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, शिनचैन जिंदा है। तो ठीक है, वो जिंदा बेशक हो, हम उसको दोबारा मार देंगे, फिलहाल तो मैं तुझे खत्म करूंगा। सामने आ ग्रीन हॉल। नहीं, मैं तेरे हाथों नहीं मरूंगा, कार मारूंगा। अरे बाप रे। ये ले और ये ले, कौन बचाएगा तुम सबको? ये सब तुम्हारे लिए एपोकलिप्स है, कोई नहीं बचेगा, रेड हल्क का राज होगा इस दुनिया पे। मैंने सारे एवेंजर्स को मार दिया है, बाकी के तो धरती पे अवेलेबल भी नहीं है, कोई बात नहीं है। और ये लो। तो ठीक है घोस्ट राइडर भैया, आप मेरी आर्मी को भेज देना, फिलहाल मैं यहाँ से निकलता हूँ, शायद एवेंजर्स खतरे में है, मुझे जल्द से जल्द पहुँचना होगा। तो ठीक है गाइस, अब मेरा समय आ गया है,
मेरी न्यू ट्रांसफॉर्मेशन में होने का। तो गाइस उसके लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा। जब तक आप लाइक नहीं करेंगे मैं न्यू बॉडी में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाऊंगा। तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और ये कि मैंने अपनी पावर्स एक्टिवेट। अरे बाप रे, एक मिनट दोस्तों, ये तो मैं रेड हल्क बन गया। नहीं दोस्तों, क्या मैं ईविल बन जाऊंगा? नहीं दोस्तों, ये तो मॉन्स्टर रेड हल्क है, ये तो कोई नॉर्मल नहीं है। इसमें तो बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की पावर्स है। मुझे पूछना होगा घोस्ट राइडर, ये क्या किया तुमने मेरे साथ? मुझे रेड हल्क क्यों बना दिया? बच्चे तुम्हें नहीं पता क्या, ये मॉन्स्टर रेड हल्क है, ये तुम्हारी बहुत मदद करेगा उन सारे के सारे रेड हल्क से लड़ने में। ओ अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं यहाँ से जाता हूँ। लेकिन दोस्तों मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, ऐसा ना हो मैं ईविल मॉन्स्टर रेड हल्क बन जाऊँ। लेकिन फिलहाल मुझे मेरे दोस्तों को बचाना होगा, तो इसलिए मुझे कदम उठाना ही होगा। उस शिनचैन को लगता है कि मैं उसकी मदद बिना किसी अपने फायदे के कर रहा हूँ, लेकिन उसको नहीं पता कि मैं उसकी मदद इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि वो रेड हल्क की आर्मी को हरा के उसके बाद मैं उसको ईविल बना दूंगा। क्योंकि रेड हल्क कभी किसी का दोस्त नहीं बन सकता, और वो मॉन्स्टर रेड हल्क है, वो मेरा गुलाम बनेगा। उसके बाद इस दुनिया पे मेरा राज होगा। अवेंजर्स और ये जितनी दुनिया है मेरी गुलाम बन जाएगी, और यहाँ तक कि मॉन्स्टर रेड हल्क भी मेरी बात सुनेगा। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। शिनचैन तुम बहुत जल्द मॉन्स्टर रेड हल्क बन जाओगे। ये चला मैं लॉस सेंटोस। तो ठीक है, मैं लॉस सेंटोस में आ गया हूँ दोस्तों। एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है रेड हल्क मेरे आसपास ही है? कुछ तो गड़बड़ है, अभी तक तो मेरी आर्मी भी नहीं आई। लेकिन जैसा कि घोस्ट राइडर ने बताया था, ये मॉन्स्टर रेड हल्क है, इसका मतलब मैं अकेला ही उन सबको देख सकता हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वेट करता हूँ। वो रहा शिनचैन, मारो इसको। अरे बाप रे, ये एक साथ कहाँ से आ गए? और मेरे क्लोन्स भी आ गए, तो मेरे क्लोन्स मारो इनको। अरे यार यार बाप रे। तो ठीक है गाइस, अब समय आ गया है मॉन्स्टर रेड हल्क की पावर्स को दिखाने का। तो आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि देखो अब करूंगा मैं अपनी पूरी पावर अनलीश और एक एक को चुन चुन के मारूंगा, क्योंकि मॉन्स्टर रेड हल्क बहुत ज्यादा खतरनाक है। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम रेड हल्क की आर्मी ज्यादा पावरफुल है, और शिनचैन हमने ना जाने तुझे कितनी बार हराया और मारा है, लेकिन तू वापस आ जाता है। अच्छा, आप भी तो हमेशा वापस आ जाते हैं मार मार के, तो मैं क्यों नहीं आ सकता, है ना दोस्तों? कमेंट में जल्दी से बताओ। अरे बाप रे, एक मिनट, तेरी तो आ रहा है। एक काम करता हूँ गाइस, एक एक को टारगेट करता हूँ, अगर सबको मारूंगा तो ये नहीं मरेंगे, लेकिन अगर मैं किसी एक को पकड़ के मारूंगा तो जरूर एक एक करके सब मर जाएंगे। तो चलो यही ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। शिनचैन बच्चों, इस बार हम बेवकूफ नहीं है, इस बार हम एक साथ रहेंगे, हम तेरे पीछे नहीं आएंगे, हम सारे के सारे एक झुंड बनाकर तुझसे लड़ेंगे। अच्छा ऐसी बात है, तो ये ले बेटा। अरे बाप रे, हाँ देखा कैसी लगी? ये ले रेड हल्क, कैसा लगा? ये ले मॉन्स्टर रेड हल्क, बहुत पावरफुल है। और ये ले, अरे बाप रे, मेरी तो कमर तोड़ दी इसने। देखा दोस्तों, एक को तो कर दिया मैंने बेकार, बाकी के रेड हल्क और यार भाई बाप रे, मुझ पर ही भारी पड़ गया। ये तो कोई बात नहीं है, जल्दी से एक काम करता हूँ, दूसरा मोड रखता हूँ। अरे मैं तो नीचे गिर रहा हूँ, चलो भाई तब तक वेट करते हैं नीचे गिरने का। अरे बाप रे, हाँ बच गया गाइस, चलो जल्दी से चलता हूँ, देखता हूँ और कहाँ पर हैं। अरे बाप रे, नहीं शिनचैन छोड़, मैं तुझे खत्म कर दूंगा, रेड हल्क बहुत पावरफुल है। अरे यार एक मिनट, इसको गाइस बीच में से फाड़ूंगा मैं। आजा बेटा, एक बार हाथ तो लग मेरे, तुझे खत्म कर दूंगा मैं ईविल मॉन्स्टर हल्क। आजा रेड हल्क मॉन्स्टर से तू नहीं बचेगा। ये मेरी कमर तोड़ दी इसने। दोस्तों देखा, उसकी भी कमर तोड़ दी मैंने, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे। तुमने मेरे अवेंजर्स को घायल किया रेड हल्क, आज तुम्हारा दी एंड होगा। और ये लो बाप रे, गाइस देखा मॉन्स्टर रेड हल्क कितना ज्यादा पावरफुल है। गाइस मुझे गुस्सा आ रहा है, ये बाप रे, गुस्सा फाड़ में मिला दिया तेरी तो। ये एक मिनट कहाँ गया, जल्दी से दूसरे। यार गाइस, ये मेरा अटैक नहीं मारने दे रहे हैं मुझे, क्योंकि इनको पता है मैं बहुत पावरफुल हूँ, एक भी अटैक पड़ा तो इनकी हड्डी पसली टूट जाएंगी। लेकिन कोई बात नहीं है, शिनचैन नोहरा मार के छोड़ेगा। अरे बाप रे, ये मॉन्स्टर रेड हल्क बहुत पावरफुल है, नहीं ये मुझे खत्म कर देगा। ये वाह दोस्तों, देखा कैसे मारा मैंने उसको। हाँ दोस्तों, मुझे लगता है यहाँ के सारे रेड हल्क मैंने गायब कर दिए। चलो मेरी ग्रीन हल्क, अरे मतलब मेरी ग्रीन हल्क की आर्मी तो ये है नहीं, चलो मेरी मॉन्स्टर रेड हल्क की आर्मी, हमला करो उन सारे के सारे ईविल
लाइश में और खत्म कर दो, ये रहा एक और तेरी तो। आजा बेटा तुझे भी ये ले, और ये ले बेटा, और ये खा। हाँ दोस्तों कितना मजा आ रहा है, ये ले। अरे बाप रे, रेड हल्क कहाँ पर हो, बचाओ मुझे इस बच्चे से, ये मॉन्स्टर हल्क में बन के बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। और ये लाओ, मैं गाइस ग्रेविटी को भी कंट्रोल कर सकता हूँ जैसे कि गॉड ग्रे हल्क कर सकता है। लेकिन गाइस मेरे पंचेस में बहुत ज्यादा जान है, देखो मैंने इस रेड हल्क को कैसे पकड़ के रखा है। और ये ले, अरे वाह दोस्तों क्या हल किया मैंने इसका, ये ले यार, ये ले, और ये ले। अरे बाप रे मार दिया, अरे वाह दोस्तों लगता है मैंने उसको भी फिनिश कर दिया। लेकिन गाइस अभी मुसीबत टली, अरे बाप रे ये कहाँ से आ गया। बच्चे मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा, लेकिन छोड़ मुझे। अरे बाप रे तेरा तो काम तमाम करना ही पड़ेगा बेटा, तुझे खत्म कर दूंगा, एक एक को मारूंगा। ये रहा, तुमने समझा क्या है, ये मॉन्स्टर रेड हल्क है, तुम सबको खत्म कर देगा। गाइस अभी और भी रेड हल्क बाकी हैं, जैसे कि दो ये रहे, एक मिनट और ये खाओ। अरे बाप रे कहाँ गया मैं। शिनचैन बच्चे तू इतना पावरफुल कहाँ से हो रहा है। अभी तो आप लोगों ने मेरी ट्रू फॉर्म नहीं देखी समझे, पहले मैं तुम सबको खत्म करूंगा, उसके बाद ये क्या हो रहा है गाइस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं ईविल बन रहा हूँ। नहीं मैं ईविल नहीं बन सकता गाइस। अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, ये तो एक दूसरे को ही मार रहे हैं, एक मिनट ये क्या हो रहा है गाइस। अरे हरामियो तुम मुझे नहीं बचा रहे हो, ऊपर से पिटवा रहे हो, ये लो। अरे बाप रे ये तो अपने साथियों को मार रहा है, ये तो बहुत बेवकूफ है रेड हल्क, तो ये तो और अच्छा मौका है मेरे लिए। अरे बाप रे यार मुझे पीट दिया, तेरी तो रेड हल्क, तुझे खत्म कर दूंगा मैं। शिनचैन मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा, ये मेरी आर्मी बेवकूफ है, ये मुझे ही मरवा रही है, इसलिए मैं इसे मार रहा हूँ। ठीक है मारो मारो, मेरा क्या, तुम इनको मारो मैं तुम्हें मार दूंगा। इतना बेवकूफ नहीं हूँ मैं शिनचैन। तो तुम तो हो इतने बेवकूफ, तभी अपनी आर्मी को मार रहे हो। ये लाओ गाइस, जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये मेरी मॉन्स्टर रेड हल्क की आर्मी कहाँ पर है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है, मुझे चेक करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, पहले इस रेड हल्क को फिनिश कर देता हूँ, तो चलो ये ले। अरे बाप रे ये ले शिनचैन, जब देखो पागलों की तरह चीखते रहते हो, एक मिनट ये रहा रेड हल्क, तेरी तो बेटा आज और ये। अरे बाप रे क्या हुआ मुझे, एक मिनट वापस मारता हूँ, ये ले। अरे बच्चे तू बहुत ज्यादा नादान है, वो घोस्ट राइडर तेरा इस्तेमाल कर रहा है। मुझे परवाह नहीं है कोई मेरा इस्तेमाल करे या नहीं, मैं शिनचैन नोहारा हूँ, कोई मुझे टक्कर नहीं दे सकता, मैं ना तो ईविल हूँ और ना ही मैं रियल, मैं हूँ शिनचैन नोहारा। एक मिनट गाइस अभी और भी रेड हल्क बाकी हैं, हमें जल्द से उनकी लोकेशन पे पहुँचना होगा और सबको खत्म करना होगा। ये रहे बाकी के रेड हल्क, गाइस आज दी एंड होने वाला है ये सारे रेड हल्क का, उसके बाद नया चैप्टर शुरू होगा, जब देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल मैं सारे रेड हल्क को खत्म कर दूंगा। एक मिनट गाइस उधर है, चलो जल्दी चलता हूँ, ये रहा। बच्चे तू क्या कर रहा है मेरी सारी आर्मी को खत्म करके, तू क्या करेगा, तेरा फायदा क्या है इसमें। मैं मॉन्स्टर रेड हल्क हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा, कोई मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता, इसलिए मैं सबको खत्म कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, हम पहले से ही ज्यादा पावरफुल है और हम फिर से बन जाएंगे। बस गाइस बहुत हुआ, अब दी एंड करते हैं इस रेड हल्क का, जब देखो जब से परेशान कर रहा है। बाप रे यार थोड़ी सी पानी में ही मारता हूँ बेटा, आ जा, ये रहे मेरा पंच। एक मिनट कहाँ गया, जल्दी से इस पानी के नीचे निकलता हूँ। अरे बाप रे ये रहे। शिनचैन अपने आप पे कंट्रोल करो, मुझे लग रहा है तुम अपना संतुलन खो रहे हो। अरे चार्विश भैया आप कहाँ से बोले, वैसे कोई बात नहीं आप चिंता मत करो, मैं खुद पे कंट्रोल रखूंगा। ये रहा रेड हल्क बेटा, ते तो ये रहे यार, ये ले। ओ मार दिया इसने, बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ, मुझे लगता है मेरी सारी रेड हल्क की आर्मी मर चुकी है। हाँ सही सोचा, मैंने तुम्हारे हजारों रेड हल्क को मार दिया है, सिर्फ तुम बचे हो और तुम। अरे बाप रे ये दो कहाँ से आ गए। बच्चे तुम्हें अंदाजा भी नहीं है हम कितने सारे हैं। कोई बात नहीं है, मैं सबको खत्म कर दूंगा, एक एक को मारूंगा, ये ले रेड हल्क यार, ये ले। अरे बाप रे दोस्तों देखा मैंने इसका शर अलग कर दिया इसके, एक मिनट ये लास्ट बताए बेटा तेरी तो। अरे बाप रे गाइस अब बहुत हुआ, अब तू भी खत्म हो जाएगा रेड हल्क। नहीं मुझे यहाँ से भागना होगा, ये बच्चा बहुत पावरफुल है, नहीं छोड़ दे मुझे। नहीं छोड़ूंगा, ये ले और ये ले और ये ले, मैं हूँ मॉन्स्टर रेड हल्क, घोस्ट राइडर का साथी। अरे बाप रे तू तो ईविल बन गया है बच्चा, छोड़। ये दोस्तों मैंने उसको मार दिया, देखो कैसे बीच में से काट दिया। हा, 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 मजा आ गया।
किसी को कुछ अंदाजा नहीं है कि शिनचैन को मैंने क्या बना दिया है। मैंने उसके अंदर एक ईविल स्पिरिट डाल दी है। वो बहुत जल्दी ईविल रेड मॉन्स्टर हल्क बन जाएगा। फिर उसके बाद इस दुनिया पे मेरा राज होगा। अब समय आ गया है धरती पे अपना राज चलाने का और अवेंजर्स को यहाँ से हटा देने का। शिनचैन मेरे गुलाम, रेड मॉन्स्टर हल्क मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बुलावा दे रहा हूँ।